झारखंड के मंत्रियों को एक वर्ष पूरे होने के बावजूद भी बजट का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो सका है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2021-22 का बजट आज सदन में पेश किया, जिसमें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान पैसे की कमी होने के कारण नहीं किया जा सका। बजट पेश होने के बाद बेरोजगारी भत्ते के मद को बजट में नहीं पेश किए जाने का कारण मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पत्रकारों को बताया। पैसे की कमी का फिर रोना रोया। स्कीम विभाग ने ड्राफ्ट की थी, परंतु जो वित्तीय स्थिति अभी थी कोविड के कारण, उसके कारण ये स्कीम अभी थ्रू नहीं हो पाई, तो इस साल उसको उसमें नहीं हो पाया है। स्कीम कंसेप्चुलाइज की जा रही है, अगले वित्तीय वर्ष में उसको फुल फ्लेज फॉर्मेट में हम लोग लागू करेंगे। लेकिन वहीं झामुमो के कोटे से मंत्री बने मिथिलेश ठाकुर को बजट की जानकारी ही नहीं है कि बजट में बेरोजगारों के भत्ते के संबंध में क्या प्रावधान किए हैं। पत्रकारों ने जब बेरोजगारी भत्ते पर सवाल किया तो वह बजट में प्रावधान होने की बातें कह रहे हैं। जरा गौर से सुनिए और अंदाजा लगाइए कि झारखंड के मंत्रियों को अपने ही बजट के बारे में कितना ज्ञान है। आपने बजट देखा नहीं, अच्छे से लगता है कि सभी क्षेत्रों को छुआ गया है इस बजट में, किसानों से लेकर छात्रों, नौजवानों, हमारे बेरोजगारों, सभी, और पूरी तरह से विस्तृत ब्यौरा दिया गया है कि कैसे हम बजट की राशि को हम कैसे खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सभी वर्गों के लिए, जो ज़रूरतमंद है, सभी के लिए। अब कोई इसका मापदंड निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कि इतने लोगों को ही वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, इतने लोगों को ही विधवा पेंशन दिया जाएगा। इस बजट में सबसे खास बात रही है कि जो अनाथ हमारे हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है पेंशन का। और चाहे वो सड़क का मामला क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का, पेयजल का, विस्तार से बताया गया है कि हम कैसे काम करेंगे। पहले ही आ गई है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये बात पहले ही आ गई है। और उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान रहता है, आप देख लीजिए कि योजना मद में ये और कुछ और प्रावधान है गैर योजना मद में, तो उसे हम लोग इसका प्रावधान करेंगे। अनुपूरक बजट भी आते हैं और जो हम वादे करते हैं, जो संकल्प हमने लिए, मैंने पहले भी कहा था कि संकल्पों का बजट होगा, ये झारखंडी जनभावना का, झारखंडी जनमानस का बजट होगा और जमीनी बजट होगा, और ये जमीनी बजट है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।